ये जो सेशन है, मैंने इंटरव्यू जो जॉब करते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, जॉब में चेंज चेंज करना चाहते हैं जॉब, ठीक है, और रेज्यूमे कैसे बनाए, ये सारी चीज़ों के पर्पस से मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि जो हमारे जो बिगिनर्स है या फिर जो भी एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, जो लेवल 1 लेवल 2 हमारे कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें आइडिया रहे कि जब वो जाते हैं तो वो क्या क्या गलतियां करते हैं, और वो गलतियां वो ना करें इंटरव्यू के वक्त। और आपका जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट आपका क्लियर रहना चाहिए कि आप किस पर्पस से जा रहे हो किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी के स्टाफ से मिलने के लिए इवन, ठीक है। देखो, सबसे पहला ये होता है कि पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ की लिस्टिंग कर लो। आप ये स्ट्रेंथ रेज्यूमे में मत शो करना, पहले ही बता दिया क्लियर, कि ऐसा नहीं है कि आपने स्ट्रेंथ की लिस्टिंग कर दी और सारे स्ट्रेंथ दिखाने लग जाओ, और वीकनेस की लिस्ट कर लो, ठीक है। अब देखो, जैसे स्ट्रेंथ और वीकनेस ऐसा है कि अलग अलग प्रोफाइल के अलग अलग लोग पे अलग अलग, आप जैसे कोई रोहन है, कोई श्याम है, कोई राम है, कोई पिंकी है, तो अलग अलग जो नाम है, जो भी अलग अलग आपका जो बैकग्राउंड है, उस पर डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस। कि मान लो आपने बीटेक करने के बाद किसी ने, हो सकता है कि 2 साल काम किया और ऐसे ही छोटे मोटे स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे काम किया जहाँ पे ज़्यादा लर्निंग नहीं थी, और किसी ने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद 2 साल काम किया और वहाँ पे वो उसने बिलिंग तक देख ही लिया था आधी चीज़ें, और फिर वो लेवल 1 लेवल 2 किया, ऐसा हो सकता है। या फिर बीटेक किया, 2 साल काम किया और वो सिर्फ एग्जीक्यूशन में ही काम किया, उसने बिलिंग नहीं देख पाया वो, लेकिन एग्जीक्यूशन देखा उसने, ड्राइंग पढ़ना, लेबर मैनेज करना, ये सारी चीजें उसने देखी। लेकिन क्या होता है, ये सारे चीजों को एक साथ जोड़ता है, कि क्या जोड़ता है, भदानिस का लेवल 1 एंड 2, ठीक है। क्योंकि ये जो भदानिस का जो लेवल 1 एंड लेवल 2 होता है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट को कवर करा कर रहा है, ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। और आप भी जो पहले से आपने एक्सपीरियंस ले रखा है, या फिर फ्रेशर भी क्यों ना हो, आप अगर फ्रेशर ही हो, बिल्कुल ही फ्रेशर हो, ठीक है, 0 इयर्स का एक्सपीरियंस है, फिर भी क्या है, आप एक तरफ से टेक्निकल ही हो क्योंकि आप सिविल करके निकले हो, तो यानी आपका टेक्निकल एस्पेक्ट है पहले से ही, ठीक है, तो इसलिए लेवल 1 लेवल 2 भी आपने इंटरेस्ट दिखाया और आपने कर भी रहे हो, ठीक है। तो क्या है, जो लेवल 1 लेवल 2 है, वो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट को कवर करता है। तो अब ये देखो कि स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। जैसे अगर मैं फ्रेशर की, ये वाला 0 इयर्स वाले बंदे की बात करूं, फ्रेश, तो इसकी जो वीकनेस है वो ये है कि इसने अभी तक साइट नहीं देखी, साइट नॉट सीन, साइट पे कैसे फॉर्मवर्क लगता है, कैसे सरिया बन रहा है, वो अभी नहीं देखा, है ना, फर्क ये है ना। और इसमें क्या है कि ये इसकी वीकनेस है, 0 0 ईयर्स का इसका 0 ईयर है, ये बिल्कुल फ्रेशर है, तो ये इसकी वीकनेस है। लेकिन अगर इसकी स्ट्रेंथ पे बात करूं, तो क्या पता इसने जो स्ट्रेंथ बढ़ा रखी होगी, ये आपका आपका जो स्ट्रेंथ है, आप ऐसा ऐसा देख सकते हो कि डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर है, तो ये आप ये बोल आप आपको ये स्ट्रेंथ है कि ये आपका डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर है ना, कि आपको ये सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, तो ये क्या है आपका डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो मतलब फ्रेशर है, फ्रेशर को हमेशा ये याद रखना है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो उसका सब्जेक्टिव नॉलेज में होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि अगर मान लो मैंने ये बोला है कि रेज्यूमे में शो नहीं करना, लेकिन अगर आप रेज्यूमे में शो नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो भूल जाओ कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर वो इंटरव्यूअर पूछ रहा है, तो आपको अपना स्ट्रेंथ क्या क्या बोलना है, कोई भी सब्जेक्टिव नॉलेज बोल देना है, अपार्ट फ्रॉम भदानीज लेवल 1 एंड लेवल 2 तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आपको जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, जैसे आप कैसे कैसे बोल सकते हो कि सर मेरे जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि भदानीज का जो लेवल 1 लेवल 2 मैं कर रहा हूँ, ये तो है ही, प्लस मतलब पहले उससे पहले जो मेरा सब्जेक्टिव नॉलेज है वो मेरा डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर है, वो भी मुझे अच्छा लगता है, तो आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ को बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कौन सा है, जो फ्रेशर है जिसे 0 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर आता है आपका बीटेक, जो 2 साल है, जिसने स्मॉल प्रोजेक्ट्स किया है, ठीक है,
जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स किया हुआ है जिसने, अब देखो जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स किया हुआ है जिसने, उसमें क्या है, उसमें क्या है, जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स किया हुआ है उसमें क्या फर्क है? इसमें आप ये देख सकते हो कि आपको मतलब इसमें आपको फिर देखना है कि स्ट्रेंथ कितनी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब आपने स्मॉल प्रोजेक्ट तो किया है लेकिन उसमें क्या पता कुछ ऐसा चीज सीख ली हो, वो आपके अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने ऐसा क्या सीख लिया है जो मार्केट को चाहिए होता है, वो आपके अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने ऐसा चीज क्या सीखी है ताकि आप वो चीज अपने आगे फ्यूचर में उसे बना पाओ, ठीक है। और वीकनेस, आप ये वीकनेस भी क्या है, वीकनेस अब देखो जैसे स्ट्रेंथ क्या देख सकते हो, क्या बोल सकते हो कि सर वहां पे जो फिनिशिंग वर्क चल रहा था ना, वहां पे मैंने पेंटिंग वर्क को बहुत ही अच्छे तरीके से उसका एस्टिमेशन भी मैंने करके दिया, और वहां पे जो एग्जीक्यूशन वर्क है वो बहुत ही प्रॉपर वे में मैंने किया, ठीक है, पेंटिंग का प्रॉपर वे में मैंने किया, तो मैं मतलब फिनिशिंग का काम, फिनिशिंग वर्क का काम मैंने बहुत अच्छा सीखा। तो ये देखो ये क्या है, ये अवेयरनेस है कि आप मतलब आप अवेयर नहीं हो तो फिर आप क्या हो कि थोड़ा बहुत स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए भी ये क्या है कि आप वो क्या करोगे, आप कहोगे वो छोटा, ऐसे मत बोल देना अरे सर वो बस छोटा सा ही प्रोजेक्ट था, कुछ ज्यादा सीखने को नहीं मिल रहा था, ऐसा बोलोगे तो पता है क्या होता है, जो इंटरव्यूअर है वो ये सोचता है कि आपके बस की ही नहीं है सीखना। तो हर जगह जो है ना सीखने का स्कोप होता है, ऐसा नहीं होता है कि सीखने का स्कोप नहीं होता है, तो स्मॉल प्रोजेक्ट भी है तो आप ऐसा मत बोलना कि सर मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही काम कर लिया था, कुछ सीखने को मिला नहीं इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूँ, ये सारे डायलॉग्स जो ओनर है जो इंटरव्यू ले रहा होगा उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी बॉस होगा। तो वो जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस मतलब आपको अवेयरनेस ये आपको ऐसे बोलना है कि सर मैंने वहां पे फिनिशिंग वर्क करवाया जो बहुत ही अच्छा था, वहां पे मैंने पेंटिंग वर्क करवाया, वहां पे मैंने एग्जीक्यूशन करवाया जो बहुत ही प्रॉपर वे में मैंने एग्जीक्यूशन करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। तो फिर वो ये पूछ सकता है कि तो आप क्यों छोड़ना चाह रहे हो उधर से जॉब, तो आप बोल सकते हो कि सर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, बस मुझे बस मतलब मैं थोड़ा सा चेंज चाहता हूँ, बस ये आप बोल सकते हो, ज्यादा नहीं बोलना है। अगर इसमें अगर आप ज्यादा बोलोगे तो वो और क्वेश्चन करेगा और आप फंस चुके होगे, ठीक है। और अपनी वीकनेस, वीकनेस यहाँ पे ये बोल सकते हो कि सर स्मॉल प्रोजेक्ट था तो मतलब मैंने फिर भी कंपनी के लिए 2 साल दिया, 2 साल इज अ वेरी लॉन्ग टर्म, 2 ईयर्स इज 2 ईयर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा ज्यादा लॉन्ग हो गया है, तो मतलब वो जो मतलब मैं थोड़ा सा जो चीजें है एग्जीक्यूशन में रहते रहते मैं पीछे की चीजें भी थोड़ा सा मैं भूलने का वो रह गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मैंने अभी सेल्फ लर्निंग स्टार्ट की है, ऐसा भी नहीं बोल देना है आपको कि मैं कुछ पढ़ नहीं रहा था, आपको ये बोलना जरूर है कि मैंने सेल्फ लर्निंग की हुई है, कर रहा हूँ ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन वीकनेस पे हमेशा आपको ये कुछ तो ऐसा पॉइंट बना के रखना जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी कोई वीकनेस उठा के बोलने लग जाओ, काम से रिलेटेड वीकनेस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये चीजें आप ये ध्यान रखना है आपको। फिर क्या होता है, मान लो एक बंदा है जिसने बीटेक किया है, 2 साल बिलिंग का काम किया है, बिलिंग का बहुत काम कर लिया, मान लो बिल तब भी बिलिंग का काम कर लिया तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और ज्यादा बन चुकी है, अगर आपने बिलिंग तक कर लिया तो बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि बिलिंग कर लिया और आपने लेवल 1 लेवल 2 कर लिया है तो आप तो मतलब स्ट्रांग हो गए हो बिलिंग में, तो आप ये सीधा बोल सकते हो कि सर मुझे बिलिंग का काम आता ही था और भदानिस का लेवल 1 लेवल 2 करके मैं पॉलिश हो चुका हूँ, तो अब मैं रेडी हूँ और मतलब मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ऐसे करके आप सीधा बोल सकते हो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मतलब रेज्यूमे आपका बोल रहा है, ठीक है। आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप ज्यादा मत बोलो, जितना वो पूछ रहा है बस उतना बोल के चुप हो जाओ। फिर आता है एक है बीटेक किया हुआ है और एग्जीक्यूशन है, तो एग्जीक्यूशन अगर डिपार्टमेंट में अगर काम किया, ज्यादा एग्जीक्यूशन में काम कर लिया है, जहां पे सपोज करो कि आपने बिलिंग नहीं देखा लेकिन आपने एग्जीक्यूशन देख लिया है, तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन देख लिया है तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन देखा तो एग्जीक्यूशन देखने में जो मतलब जो बिलिंग का काम है, बिलिंग का काम आपने नहीं किया, एग्जीक्यूशन देखा है तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे बन चुकी है कि आपने एग्जीक्यूशन तो देख लिया है, और आपको ये कहना है कि जो लेवल 1 लेवल 2 भदानीस का जो मैंने किया है उससे मेरा स्ट्रेंथ जो है ये और बन गया है, मतलब एग्जीक्यूशन तो था ही और एक और ऐड हो गया जो है बिलिंग एस्टिमेटर, बिलिंग एस्टिमेशन,
ये आप बोलोगे, ठीक है? तो यहाँ पे हाँ ठीक है। तो बीटेक मतलब देखो मैंने हर एंगल से आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। और देखो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ सबको, कि आप ये मत सोचा करो कि आपकी जॉब नहीं लग रही और आपकी जॉब लगेगी नहीं। ये दो चीजें नेगेटिव होके नहीं सोचना है। आप क्या कर सकते हो, आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी की बुक पढ़ो, आप बुक्स पढ़ो। आप ये थोड़ी ना सोच सोच के बैठ जाओगे कि जॉब नहीं लग रही तो मैं अपनी लाइन की चीजें नहीं पढ़ूंगा। अरे जॉब लगेगी, जॉब है मार्केट में। जब लग जाएगी तो आप क्या सोचोगे कि अरे जॉब तो लग गई, फालतू में मैं परेशान हो रहा था। ठीक है 1 महीना लेट हो जाएगा, चलो 2 महीना मान लिया, चलो 3 महीने मान लिए, लेकिन ये अपने आप से ये जरूर पूछना कि ये जो 3 महीने में अगर आपको आपको जॉब नहीं लगी लगी तो आपने क्या किया। ये आप जरूर अपने आप से पूछना कि आपने कौन सी सेल्फ लर्निंग की है। खुद से आपको लर्न करना है, खुद से आपको सेल्फ लर्निंग करनी है, खुद से आप चीजें देखो। मान लो भदानिस का आपने ऑल लेवल किया सपोज करो, ठीक है, लेकिन स्टिल आपको क्या करना है, सेल्फ लर्निंग करनी है। कि आपने कोई मतलब सब्जेक्टिव नॉलेज उठा लिया। सब्जेक्टिव नॉलेज उठाने का मतलब यह है कि सबसे अच्छे सब्जेक्ट्स जो है, जो मार्केट डिमांड करती है, वो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, बेसिक, मतलब ज्यादा डिटेल नहीं जाने की जरूरत है, बेसिक, ठीक है। तो ये डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो गया और कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया। ये तीन चीजें आपको पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। ये तीन चीजों के बाद आपको कोई और सब्जेक्ट छूने चाहिए, ठीक है। अगर आप भदानिस के लेवल 1 एंड 2 कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेवल 1 एंड लेवल 2 करो, जॉब ढूंढते रहो, रेज्यूमे मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, प्लस ये आप पढ़ते जाओ। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओ तो आप बोलो कि सर मैं लेवल 1 लेवल 2 मैंने किया है, वो मैं रिवाइज मतलब वो मैंने सीख लिया है, प्लस मैं अभी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ रहा हूँ। तो फिर वो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी आप पढ़ोगे तो फिर वो पूछेगा कि कल आपने क्या पढ़ा था, तो आप बोलो कि पाइल पढ़ा था, पाइल के बारे में पढ़ा था, पाइल में क्या, पाइल के बारे में बताओ, ड्राइवन पाइल क्या होता है, वो इसमें पूछने लग जाएगा। तो उसमें पूछने लग जाएगा तो क्या होगा, जो जो इवन मतलब क्या होता है कि कुछ कुछ तो हथियार ऐसे होते हैं इंटरव्यूअर के पास, चाहे आप कितना भी कुछ सीख लो, ये ऐसा कुछ होता है जो आपको नहीं पता होगा, सिर्फ उसे ही पता होगा, तो वो आप उधर फेल कर जाओगे। तो वो क्या होगा, जब आप ऐसी चीजें करोगे तो क्या होगा, इंटरव्यूअर अपने क्वेश्चन पूछने के बजाय आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग जाएगा और साइकोलॉजिकली आप उसे कंट्रोल में ले आओगे। जब आप अपने कंट्रोल में उसे ले आओगे तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब देखो मैं कुछ आपको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बता देता हूँ। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको जब इंटरव्यू में आप जाते हो तो आपको कैसे अपना बॉडी लैंग्वेज रखना है, ठीक है, और कैसे बात करनी है। देखो सबसे पहला जो ट्रिक है वो है मिरर, मिरर टेक्निक, ठीक है। मिरर टेक्निक मतलब क्या होता है कि मान लो आपका जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू ले रहा है उसे आपको, वो मान लो अगर वो फॉर्मल पोज में जैसे बैठा हुआ है, ठीक है, मान लो वो उसने मतलब स्ट्रेट लेग्स करके मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट लेग्स रखा हुआ है, या फिर उसने मतलब चेयर के आर्म्स पे रखा हुआ है, तो क्या होगा, आप भी चेयर के आर्म्स पे वो हाथ रख लो सीधा, मतलब उसके जैसा रिफ्लेक्शन होना चाहिए, मतलब वो जैसा दिख रहा है वैसा आप दिखो, तो उसे क्या फील होगा, अरे भाई ये तो मेरी तरह है, ये तो अपना बंदा है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो मान लो इनफॉर्मल हो रहा है, मान लो वो इनफॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है, तो आप मतलब आप मैं मिरर टेक्निक के हिसाब से आपको भी इनफॉर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन मैं ये अभी सजेस्ट नहीं करूंगा। मतलब वो 100% भी इनफॉर्मल हो रहा है तो आप 50% इनफॉर्मल हो, मतलब उसे ऐसा फील कराओ थोड़ा सा कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, और थोड़ा सा आप दबना है,
थोड़ा सा आप दबके ही रहो, उसे इनफॉर्मल होने दो, लेकिन आपको इनफॉर्मल नहीं होना है, आपको थोड़ा सा दबके ही रहना है, मतलब आपको पूरी तरीके से मतलब फॉर्मेलिटी को छोड़ नहीं देना है, ठीक है। फिर क्या है, मिरर टेक्निक हो गई, फिर आपका जो है आई कांटेक्ट, मतलब आई कांटेक्ट बना के रखना है, लेकिन आई कांटेक्ट क्या, आई कांटेक्ट कैसे करना है, ये जो दोनों आंखों के बीच में देखना है, मतलब दोनों आंखों के बीच में देखना है। अगर आप दोनों आंखों पे देखोगे तो क्या होगा, या तो मतलब अगर दोनों आंखों पे भी देख रहे हो तो बीच बीच में आप आंखें थोड़ा सा नीचे करो 2 सेकंड के लिए, फिर ऊपर करो ऐसा, लेकिन ये जबरदस्ती करोगे तो फिर ये अजीब दिखेगा, तो ये मतलब आपकी प्रैक्टिस में कम्युनिकेशन में आना चाहिए ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये चीज आपको बहुत बहुत अच्छा रहता है। और अगर मैडम, कोई मैम अगर ले रही है, इंटरव्यू ले रही है, तो फिर तो आपको आई कांटेक्ट पे ही रहना है, नीचे ऊपर नहीं देखना है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे अवॉइड करना है नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस मतलब पिछली कंपनी की बुराई नहीं करनी है, हिंदी में लिख देता हूँ, पिछली कंपनी की बुराई नहीं करनी है, कोई नेगेटिव चीज नहीं बोलनी है, पॉजिटिव ही बोलना है। और जैसे आपने भदानीज में इन्वेस्ट कर दिया सपोज करो, तो आपको मतलब ये समझ लो कि हम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, कैसे भी है, आपने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, तो मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप जॉब करने गए हो और आपने बोला कि हाँ हाँ सर कुछ कुछ चीजें हैं या ऐसा वैसा, कुछ नहीं बोलना है, सीधा बोलना है बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है सर, बहुत अच्छी चीजें सीखी है, तब आपको क्या होता है वो इम्प्रेशन अलग बनता है कि चलो यार बंदे ने कुछ सीखा ही होगा, मतलब आप कंपनी की भी बुराई कर रहे हो जहां से ट्रेनिंग लिया, अगर वहां की भी बुराई कर रहे हो, दोनों तरफ से बुराई कर रहे हो, कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि हमें पता है हमने क्या डाला है, हमने क्या सिखाया है, आपके कहने से नहीं माना जाएगा कुछ भी, लेकिन आप अपना एटीट्यूड चेंज करो। ये उन लोगों के लिए जो ये अजीब होते हैं, सच में अजीब होते हैं वो लोग, बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना, मैं डांट के बोल रहा हूँ सबको, स्कोल्डिंग, आई एम स्कोल्डिंग, नेगेटिव सेंटेंसेस यूज नहीं करने, पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना, नेगेटिव कुछ बोलना ही नहीं, स्माइल रखो हंसते हुए जिंदगी, वो मतलब जाओ बिल्कुल रौनक आ जानी चाहिए सामने वाले के सामने फेस पे, आप बैठे हुए हो तो, ठीक है। आपका बॉडी लैंग्वेज श्रिंक नहीं होना चाहिए, श्रिंक नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, मतलब हाथ वाथ खुले हुए होने चाहिए, जैसे मान लो ये आपका हेड है, नेक ऐसे, हाथ ऐसे, चेयर पे ऐसे पूरा खुला हुआ होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे हाथ यहाँ पे ऐसे बैठ गए हो, पाँव इधर है आपका, यहाँ पे हाथ रख लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हाथ बिल्कुल खुले हुए, टेबल है सामने तो टेबल पे हाथ रख लो, लेकिन झुकना मत, क्योंकि वो सामने बैठा हुआ होगा, झुकोगे तो अजीब लगेगा, झुकना नहीं है, हाथ रख सकते हो, लेकिन आपके नहीं, ये जो पोर्शन है इस, ये जो ये वाला नेक का और ये पोर्शन है, इसे सीधा रखना है, मतलब ये पूरा रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए, झुकना नहीं है। और ये भी है कि अगर मान लो इंश्योर रखो, कभी कभी क्या होता है टेबल छोटी होती है, तो इंटरव्यूअर और इंटरव्यूअर बिल्कुल पास में कांटेक्ट रहता है, तो वैसे तो मास्क लगा के रखना है कोविड कोविड का जैसे है, लेकिन एक मतलब माउथ फ्रेशनर आप लेके जरूर बैठो, ताकि कोई भी गलती से भी स्मेल नहीं चली जाए, अगर हल्का सा भी माउथ का स्मेल अगर चला गया ना, तो आपका रिजेक्शन पक्का है, कितने भी स्ट्रांग हो आप, इतने समय में बोल रहा हूँ, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है, आप मतलब आपके चांसेस है 70% कि आप रिजेक्ट हो जाओ सिर्फ माउथ की वजह से, और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मत समझ लग जाएगा ना कि मेरे मुंह से स्मेल आई, मैं कभी फेल हो गया, मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं टेक्निकल एचआर, मैंने टेक्निकल एचआर राउंड्स बहुत लिए हैं, तो मुझे इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, मैं कंपनीज के लिए टेक्निकल एचआर एचआर का रोल भी प्ले करता हूँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है।
देखो एक और बात मैं याद रख मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो अगर नेगेटिविटी अगर आ रही है तो डिग्री फाड़ दो, अंडे बेच लो, प्याज टमाटर खीरा चाय बेच लो, चाय में पैसा ज्यादा कमा लोगे। टेंशन लेके अगर जॉब ढूंढनी है तो कोई फायदा नहीं है। महाराष्ट्र में रहते हो, चाय की दुकान खोलो, इंजीनियरिंग से ज्यादा कमा लोगे, इसकी गारंटी देता हूँ। अगर नेगेटिविटी के साथ ही जीना है तो, नेगेटिविटी के साथ जीना है तो डिग्री और इंजीनियर का कोई भी वो मत रखो। नहीं जॉब मिल रही, सर फोड़ रहे हो घर पे बैठ के, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप मान लो आपको जॉब नहीं मिल रही तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने अगर कोई दोस्त के साथ साथ में कोई काम कर लो अभी छोटा मोटा, ताकि आपकी कम से कम पॉकेट मनी मंथली अर्निंग आती रहे, 8-10 हजार भी आ जाएगा, दूसरे फील्ड का भी कुछ सीख लोगे, क्या हर्ज है। लेकिन नेगेटिव नहीं होना है। मैंने देखा है स्टूडेंट्स होते हैं वो 3 महीने तक घर पे बैठ जाएंगे, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी पार्ट टाइम जॉब्स है, इतना दूसरी चीजें भी है। अरे जब तक नहीं लग रही वहां पे काम कर रहे हो यार, 8-10 हजार आ जाएंगे कम से कम, नहीं आने से तो अच्छा है। क्या पता वहां पे कुछ ऐसा ही दिख जाए, वहां पे कोई ऐसा ही हो कि भाई उसका भाई सिविल इंजीनियर था, उसने आपकी जॉब लगवा दी, तब तो आप खुश हो जाओगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ घर पे नहीं रहना है, बाहर निकलो, ठीक है, हमेशा बाहर निकलो, दुनिया को देखो। दुनिया, आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली तो आप सब डिग्री से, आप इस धरती पे इसलिए नहीं आए हो कि सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री करनी थी मुझे, वो आपने तुक्के में की है डिग्री, आपको पता भी नहीं था कि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ विदाउट टेंशन सिविल इंजीनियर बनो, कोई भी फील्ड है वो बिना टेंशन के रहो, क्यों टेंशन लेनी है। मैं ये जॉब होल्डर्स के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बिजनेस तो जो बिजनेस है कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स ओनर्स जो है वो तो वो सीख रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट कर देंगे और उनके कोई ये चक्कर नहीं है, उनका तो अलग माइंडसेट चलता है। मैं इधर सिर्फ जॉब होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, बस जो जॉब होल्डर्स है, ठीक है। अब आते हैं, देखो मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोले जा रहा हूँ इस रिकॉर्डेड सेशन में, मैं बोल रहा हूँ तो मैं कुछ सो मैंने मुझे भी मैंने भी कुछ देखा होगा जिंदगी में, ठीक है, मैंने भी कुछ देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नेगेटिव होके दुनिया जीनी, एक दिन भी आप ये जॉब नहीं लगती, इतने बंदे आते हैं बोलते हैं जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही। अरे जॉब नहीं लग रही तो घर में बैठ के पापड़ क्यों बेल रहे हो, घर में बैठ के अचार क्यों डाल रहे हो, घर में बैठ के गर्लफ्रेंड घुमाना है, पड़ोस की लड़की को घुमा लेना है, लेकिन जॉब करने नहीं जाने की कोई भी जॉब कर लूंगा चल पॉकेट मनी आ जाएगी। ऐसे ऐसे बंदे देखे, घर में फैमिली अर्निंग नहीं है, डिग्री लोन पे ली हुई है, जॉब नहीं लग रही सिविल की तो रुके हुए है। अरे ट्रेनिंग ले रहे हो, इन्वेस्ट किया है, नहीं भी लग रही है थोड़ा सा रुक गए हो, काम तो आ गया एटलीस्ट, पहले तो कुछ आता भी नहीं था, डम्ब थे, काम आ गया है। काम आने के बाद भी अगर 1 महीना रुकना ही पड़ रहा है तो जब तक जॉब कर लो, और पहले भी जॉब करते ही रहना चाहिए था, लेकिन वैसे ऐसे बंदे बड़ा दुख होता है। मैं ये जानबूझ के ये चीज मैं इधर इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने चीजें देखी है कि बंदो सही में वही चीज कर रहे हैं जो मैं आपको वीडियो में बोल रहा हूँ, ऑडियो में बोल रहा हूँ। तो प्लीज मतलब अपने साथ मतलब खिलवाड़ मत करो, ठीक है। पहले करियर को देखो, करियर करियर पैसा कमाना है, पहले तो पैसा कमाना होता ही है करियर। लेकिन अगर मान लो अपने फील्ड में जॉब अगर कैसे भी मिल रही है, पहले अगर मिल रही है तो कर ही लेनी चाहिए, अगर नहीं भी मिल रही है तो घर पे नहीं बैठना चाहिए, सुबह सुबह अखबार डालने चले जाओ, बाहर निकलोगे कोई क्या पता घर में कोई सिविल इंजीनियर हो, एलएनटी में काम कर रहा होगा, डीएलएफ में काम कर रहा होगा, महागुण में काम कर रहा होगा, ठीक है, एनबीसीसी में होगा कोई प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या पता आपके वो आ जाए, आप बात कर लो, क्या पता आपकी उधर से किस्मत खुल जाए, जॉब लग जाए, बढ़िया लग जाए एक बारी में। सही बोल रहा हूँ, और ये कोई चमत्कार नहीं है ये, अरे और लोग है, मिलते हैं, मिलोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अब आता हूं मैं रिज्यूमे पे,
देखो यहाँ पे रिज्यूमे बनाने का जो तरीका है, देखो एक है हमारे स्टूडेंट का है, अपेक्षा तापसे नाम है, तो इन्होंने अभी भेजा है रिज्यूमे, तो इन्होंने देखो बहुत अच्छा बनाया है यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें दिखा दी है, बिल्कुल जैसा दिखाना चाहिए वैसा दिखाया हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे स्टार्टिंग में जो इधर है, इधर जो हेडिंग है ये गलत तरीके से है, यहाँ पे जो हेडिंग डालनी है वो क्या डालना है, सर्टिफाइड, अगर आप फ्रेशर हो तो सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वेयर कम एस्टिमेटर, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो तो, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो सर्टिफाइड, अगर आप लिखते हो तो सर्टिफाइड के साथ आपको, मतलब सर्टिफाइड मत लिखना, क्यों नहीं बोल रहा मैं सर्टिफाइड लिखने के लिए, क्योंकि सर्टिफाइड से क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस छुप जाएगा, आपका जो जो आपको सर्टिफाइड से मान लिया जाएगा, सर्टिफाइड प्रेफरेंस देते हैं, सर्टिफाइड प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो भी मैटर करता है। देखो सर्टिफाइड होना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन क्या है, जब अगर आप एक्सपीरियंस्ड होल्डर हो तो ऐसे लिखना है आपको, प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर, फ्रेशर हो तो सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वेयर, और एक्सपीरियंस हो तो प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर कम एस्टिमेटर, बस। बिलिंग इंजीनियर जो बोलते हो, बिलिंग इंजीनियर बोलते हो तो वो बोल सकते हो, लेकिन मतलब या तो बिलिंग लगाओ या एस्टिमेटर लगाओ, एक चीज लगाओ, ठीक है, कम बिलिंग इंजीनियर, ये आप ऐसे करके बोल सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे बिल्कुल सही सही है, बिल्कुल सिर्फ यहाँ पे बस इतना सा ही चेंज आपके करियर को, करियर आपका जो रिज्यूमे है उसे ऐसे ही हाईलाइट कर देगा, ठीक है। फिर यहाँ फोन नंबर, ये सारी डिटेल बहुत अच्छे तरीके से, क्यों मैंने अपेक्षा का ही लिया है, क्योंकि इसने बहुत अच्छा बनाया भेजा, तो मैंने कहा इसी से ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये इतना अच्छा तरीके से सारा लिखा हुआ है, ठीक है। देखो कहीं पे भी गैप अगर होता है, गैप अगर होता है कहीं भी, मान लो ईयर में गैप है, कहीं भी ऐसा गैप है, तो एक सॉलिड रीजन तैयार रखना। सॉलिड रीजन क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हो कि कोई भी भदानी स्काई 300 रुपीज का कोई कोर्स आपने ले लिया, ठीक है, और वो आपने कर रहे हो, प्लस सेल्फ लर्निंग ले ली, ठीक है, सेल्फ लर्निंग में आपने, सेल्फ लर्निंग में पूरा डुबा लिया, एक चीज में एक्सपर्टीज जरूर ले लो, ताकि आप उसे बोलो कि हाँ जब भी कोई बात हो आप बोलो कि सर मैं ये पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, मेरा मन नहीं किया, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मेरा मन इसी में ही लग गया था, तो मैं यही पढ़ता चला गया था, मैं जॉब करने नहीं गया था, अभी मेरी नीड नहीं लगी थी, मुझे मुझे लगा मैं सेल्फ लर्निंग पहले करूंगा, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर देखो अगर आप ये सेल्फ लर्निंग बोलोगे, ठीक है, सेल्फ लर्निंग वर्ड यूज करते हो, तो ये याद रखना, रेडी हो जाओ कि उस सब्जेक्ट पे क्वेश्चनिंग होने से, और आप उसका जवाब देना ही पड़ेगा अगर आप सेल्फ लर्निंग बोलते हो, नहीं तो ये चीज मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या बोलना चाहते हो, ठीक है। लेकिन ईयर गैप या कुछ भी ऐसा बीच में आता है तो ये कभी मत बोलना कि मैं घर पर बैठा हुआ था या बैठी हुई थी, बस ये नहीं बोलना है, ठीक है, कोई भी रीजन से कि मेरा ये हो गया था, ऐसा एक्सीडेंट हो गया था, वैसा हो गया था, एक्सीडेंट हो भी गया था तब भी आपने क्या किया लर्निंग में, वो जरूर शो करना पड़ेगा एट द एंड, क्योंकि वर्क वर्क लास्ट में वर्क आपको दिखाना ही पड़ता है, चाहे आपको 103 बुखारी क्यों ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो स्किल्स में ऑटो कैड, सैप, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, ये देखो ये जो स्किल्स में आपने, ये देखो ये जो डाला हुआ है ना, स्किल्स में आपने, ये देखो यहाँ पे कहीं भी क्वांटिटी सर्विंग अपेक्षा ने शो नहीं कर रखा है, खैर उसने तो अभी भेजा है मुझे, तो मैं इधर अपडेट कर जरूर करूंगा,
देखो ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है यहाँ पे आएगा हमारा क्वांटिटी सर्वेइंग, सबसे पहले यही पे आना चाहिए, यहीं पे ऑटो कैड के इधर ही डाल दो क्वांटिटी सर्वेइंग, ठीक है। क्वांटिटी सर्वेइंग जरूर डालना है, ठीक है। क्वांटिटी सर्वेइंग, वैसे देखो क्वांटिटी सर्वेइंग डालने से बिलिंग इंजीनियरिंग इंक्लूड हो जाता है, लेकिन बिलिंग इंजीनियरिंग बहुत अच्छी पोस्ट होती है, इसलिए इंडिया में रेकमेंड होता है कि बिलिंग इंजीनियर को अलग से लिखना जरूर जरूर चाहिए, ठीक है। बाकी टीम वर्क और ये सब तो है ही। देखो अगर आप स्ट्रांग कम्युनिकेशन लिखते हो तो सच में आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए। मैं देखता हूँ रेज्यूमे में बंदे ऐसे ऐसे लिखवा देते हैं वर्ड्स और आते हैं बिल्कुल दबके, बिल्कुल चूजे जैसे आते हैं, बिल्कुल जैसे मर गए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ अगर रिज्यूमे में बड़ा बड़ा वर्ड लिखते हो ना तो वैसा भी दिखना पड़ेगा, अगर नहीं है तो ये हटा ही दो, मतलब ये हटा दो। आप ये लिख सकते हो कि फेयर कम्युनिकेशन स्किल, मतलब स्ट्रांग लिखने की जरूरत नहीं है, हमेशा हमेशा हर चीज को स्ट्रांग नहीं दिखाना। कम्युनिकेशन स्किल आपकी स्ट्रांग हो ऐसा जरूरी नहीं है, हेड ऑफिस में कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो जाएगी अगर आपकी विल पावर उन्हें दिख गई तो, मतलब अगर वो उन्हें मतलब वो चांस तो जरूर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहले पहले ही कम्युनिकेशन स्किल दिखाओगे तभी आप सेलेक्ट होगे, ऐसा माइंड में ऐसा डाल के नहीं जाना है। अपनी क्वांटिटी सर्विंग स्किल्स पे ही फोकस करते हुए चलो, और देखो आपके साथ जादू होगा, आप खुद सेलेक्ट होगे। क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि जो इस लाइन में ना क्वांटिटी सर्वेयर जो नॉलेज होती है ना, वो वैसे बंदे मिलते ही नहीं। आप ना मतलब कितना भी आपको आप कितने आपको हिंदी नहीं आती, मराठी आती है सिर्फ ना, और आपने मराठी में ही क्वांटिटी सर्वेइंग शो कर दिया कि मुझे आता है, आपने पूरा सिखा दिया। हिंदी नहीं बोलनी आती, मैं बोल रहा हूँ, वैसे तो एक्सेप्शन केस है, मैं वैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तब भी कंपनी आपको चूज कर लेगी। अगर आपका मतलब इंटरव्यू में आप बैठे हो, इंग्लिश नहीं आती, पुअर इंग्लिश है, इंग्लिश में मत बात करो, हिंदी में बात करो, लेकिन क्लियर कट बात करो कि सर ये काम है, ये दोगे ना सर मैं करके दे दूंगा आपको, ये छोड़ दो, मुझे एक टेबल दे 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 दो, एक चेयर दे दो, बात खत्म, एक लैपटॉप दे दो या डेस्कटॉप दे दो, बस। देखो जादू कैसे होता है, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है। क्वांटिटी सर्विंग क्योंकि आपने हेडिंग में यही पे डाल दिया है तो इसका मतलब मत खो देना, इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश बोलने का आपसे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन क्वांटिटी सर्विंग का में मतलब रहेगा आपसे, वो मतलब जरूर निकालेगा। तो आप मतलब क्वांटिटी सर्विंग में आप क्या करोगे, लूज नहीं होना है, इंग्लिश में लूज हो जाओगे, सब में लूज हो जाना इंटरव्यू में, लेकिन दम रख के बोलना कि सर क्वांटिटी सर्विंग में मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मुझे काम दोगे, मैं काम करके दे दूंगा। आपको ये कॉन्फिडेंटली बोलना है, उसे ये बिल्कुल मार्क कर देना है उसके माइंड में कि क्वांटिटी सर्वेयर हूं मैं सर, मैं कोई इंग्लिश का लिटरेचर राइटर नहीं हूँ जो इंग्लिश एक्सपेक्ट कर रहे हो। देखो इंग्लिश एक्सपेक्ट होती है बड़ी कंपनीज में, इंग्लिश एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट में अच्छे बंदों की बहुत ज्यादा कमी है, अच्छे बंदे है ही नहीं, तो इंग्लिश नहीं भी आएगी ना, वो चाहे कितना भी बड़ा मैनेजर हो किसी भी कंपनी का, कितना भी टॉप 3 कंपनी हो, मल्टीनेशनल इंडिया में हो, इंडियन कंपनी हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, यू विल गेट हायर्ड, गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि बंदों की कमी है, बंदे नहीं मिलते, थक जाते हैं बंदे, एचआर रोते हैं कि बंदे नहीं मिल रहे, ओनर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो ओनर होता है गाली दे रहा होता है एचआर को, एचआर लड़की भी होती है ना, मैंने देखा है लिटरली उसके आंख से आंसू निकल रहे होते हैं जब अच्छा क्वांटिटी सर्वेयर नहीं मिलता उनके कंपनी के लिए, उनके ओनर चेयर से खड़ा रह जाता है, बैठ नहीं पाता है अच्छे क्वांटिटी सर्वेयर नहीं होते तो, समझ रहे हो ना बात को सब। तो अपने जो क्वांटिटी सर्वेइंग स्किल्स है उसे डेली आर्टिकल पढ़ो, जहां से जो मिलता है पढ़ते चले जाओ। लेकिन देखो एक और बात बता देता हूँ, कैसे भी पढ़ते, कुछ कुछ होते हैं, अब जैसे ये वीडियो है ये मैं यूट्यूब पे भी मैं डलवाने वाला हूँ, तो जो जनरल पब्लिक है उनके लिए भी बता रहा हूँ मैं, जो हमारे से ट्रेनिंग नहीं ले रहे, कि क्या बोलते हैं, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि
मुझे सब कुछ आता है या मुझे कुछ नहीं आता है। मैंने ये देखा है कि क्या बोलते हैं, कुछ भी बंदे होते हैं, कुछ भी कभी कोई आर्टिकल पढ़ लिया, कभी कुछ आर्टिकल पढ़ लिया, कभी कोई कोई इधर चले गए उधर देख लिया, कभी इधर से इस वेबसाइट से पढ़ लिया, कभी उस वेबसाइट से पढ़ लिया, और खुश होते रहेंगे, वाह मैंने सीख लिया, मैं तो और आगे बढ़ रहा हूँ, मैं तो और सीख रहा हूँ। लेकिन जो सोल होता है ना, वो जो जो ट्रेंड प्रोफेशनल होता है, जो ट्रेंड रहता है, वो क्या होता है, वो एक सीक्वेंस में चलता है, वो सीक्वेंशली माइंड में उसके पास चीजें आती है, उसे सीक्वेंशली पता रहती है चीजें क्या है। तो जब वो कोई आर्टिकल पढ़ता है, आर्टिकल पढ़ता है, तो आर्टिकल पढ़ने से वो लिंक करता है कि अच्छा मैंने ये चीज इधर ये सीखी थी, ये उसका चीज है, और एनहेंस हो गया उसका नॉलेज। तो आपका जो नॉलेज है वो एनहेंस नहीं होता, आप कोई आर्टिकल पढ़ लेते हो आप सोचते हो मैं सीख गया, वो सीखना नहीं होता है जब तक वो आप इम्प्लीमेंट करने जैसा नहीं बना लो उसे, वो सीखना नहीं होता है। और इम्प्लीमेंट आप तभी, कोई भी इम्प्लीमेंट ऐसे ही नहीं हो जाता, ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है, ट्रेंड प्रोफेशनल बनना ही पड़ता है, पहले ट्रेंड होना ही पड़ेगा आपको। ये ऐसी लाइन है, क्वांटिटी सर्वेयर इज अ ट्रेंड प्रोफेशन, मतलब ट्रेनिंग लेनी ही पड़ती है। मैंने देखा है कि क्वांटिटी सर्वेयर बनने के लिए लोग सोचते हैं बीबीएस आ गया, मुझे तो बीबीएस आता है, रीड कर लेता हूँ ड्राइंग, और बहुत सारे आरसीसी स्ट्रक्चर से मैं क्वांटिटी टेक ऑफ भी करने लग गया, मैं तो मैंने देखा है कि क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर मतलब कुछ भी वो पढ़ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मैं क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, कोई भी आरसीसी स्ट्रक्चर का मैं क्वांटिटी निकाल लेता हूँ तो मैं क्वांटिटी सर्वेयर बन गया। अरे क्वांटिटी सर्वेयर आप ऐसे नहीं बन सकते, अगर ऐसे ही क्वांटिटी सर्वेयर बन जाते ना तो आपको सैलरी ही मिल रही होती। आपको सैलरी अगर 15,000 मिल रही है, वहीं से आप देख लो कि आपकी आपकी क्या आपका क्या नॉलेज होगा। आप मान लो आपने 100 आर्टिकल पढ़ लिए, 100 आर्टिकल सीख लिए, और स्टिल आपकी सैलरी 15-20 हज़ार 25 हज़ार पे अटकी हुई है 3 साल एक्सपीरियंस में भी, तो आप ये समझ लो कि आप अभी वैसे बने नहीं हो, बस आपको लग रहा है कि आप बन रहे हो, आप कुछ सीखते जा रहे हो, आपको पहले वो चीज ऐसी इस तरीके से सिक्वेंशियल मैनर से सीखनी है, इस तरीके से सीखनी है जो आपके जेब में पैसा आए। उल्टा सीधा कुछ भी उठाया, पढ़ लिया, सीख लिया, कोई इधर देख लिया उधर देख लिया, और आप सोचते हो मैं तो बहुत बड़ा, मैं तो सीखता जा रहा हूँ, मैं तो सीखता जा रहा हूँ, कोई लिमिट ही नहीं है, बहुत आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप कुछ भी सीख लो, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वांटिटी सर्वे से रिलेटेड ना, तो आप वहीं पे ही क्वांटिटी टेक ऑफ के अलावा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ना, तो आप वहीं पे ढेर हो जाओगे, वहीं पे ढेर हो जाओगे। क्वांटिटी सर्वेयर बनना, क्वांटिटी सर्वेयर जिस दिन बन जाओगे ना, कंपनी ऑटोमेटिकली, चाहे आप 24 साल की एज ही क्यों ना हो, ऑटोमेटिकली आपको कंपनी 50,000 से ऊपर देना चालू कर देगी बिना कुछ पूछे, इतनी ताकत है क्वांटिटी सर्वेइंग में। तो आप लेकिन क्या सोचते हो कि बीबीएस बना लिया, थोड़ा बिल कर लिया, क्वांटिटी निकाल ली ड्रॉइंग से, और मैं क्वांटिटी सर्वेयर बन गया, ऐसा नहीं होता है, बहुत चीजें होती है। जैसे मैंने आपको बताया था इस चीज का ध्यान रखना कि 3 एस्पेक्ट होते हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट, कमर्शियल एस्पेक्ट और प्रोजेक्ट वाइज एस्पेक्ट, इन तीनों एस्पेक्ट्स को जानना ही क्वांटिटी सर्वेइंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो स्किल है, ये जो स्किल्स है, स्किल्स इस तरीके से डिफाइन कर देना है, और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डाला है। यहाँ पे जो है जैसे इधर जो अपेक्षा ने जैसे लिखा है सर्टिफिकेशन ऑफ क्वांटिटी सर्वेयर बाय भदानीज इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भदानीज इंस्टीट्यूट लिखने के साथ साथ मतलब यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे साथ में ये जरूर डालना है कि किस ट्रेनर ने, मतलब ट्रेनर कौन थे, ठीक है, उनका नंबर भी आप ऐसे डाल सकते हो, ठीक है, ऐसे नंबर आपको डालना ही है, डाल नहीं सकते हो, डालना ही है। जैसे अब मैं दूसरा रेज्यूमे दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे देखो सर्टिफाइड क्वांटिटी सर्वेयर एंड कॉस्ट इंजीनियर, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे कुछ सिंपल है ये, लेकिन यहाँ पे जो मैं चीजें डायरेक्ट दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि
कि ये देखो सर्टिफिकेशन ऑफ भदानीज इंस्टीट्यूट इस तरीके से डालना है, ट्रेनर नेम क्या है और ईमेल आईडी क्या है, ये आपको इस तरीके से शो करना है। मैं इसका सैंपल डाउनलोड करने के लिए डाल दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ, इस रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ, सो डैट आप डाउनलोड करो और अपने हिसाब से एडिट करो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यहाँ पे इस तरीके से, मतलब देखो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे आप अपना नाम डाल दो, मतलब नाम डाल के अपना ये वाली हेडिंग जरूर डालनी है, ताकि स्टार्टिंग से ही आपको उसके माइंड में जो भी रेज्यूमे आपका देखे क्लियरिटी हो जाए कि हाँ भाई ये किस चीज के लिए, ये रेज्यूमे किसका बंदे का है, उसे क्या आता है। नाम से कुछ नहीं होता, काम दिखाना पड़ेगा स्टार्टिंग से ही, काम दिखा दो बात खत्म, रेज्यूमे सिलेक्शन की गारंटी, ठीक है। और भदानीज इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेने के बाद गर्व महसूस करो, गर्व प्राउड फील होना चाहिए कि वाह मैंने सीखी चीजें, मैंने बहुत चीजें सीखी और उसे अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। खुशी से डालो, यहाँ पे रेज्यूमे में डालो, नाम डालो, ट्रेनर का नाम डालो, नंबर डालो, और देखो आपको आप कितना, मतलब कितना मजा आएगा जब आप जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और इंटरव्यू देने से पहले मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप आप जरूर कर लो, व्हाट्सएप करके मतलब आप ये पूछ सकते हो कि सर मैं इस प्रोफाइल के लिए जा रहा हूँ और यहाँ पे ये जॉब रोल है, ठीक है, ये जो जॉब रोल है उसमें मतलब थोड़ा मैं आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज करके आपको सजेस्ट कर दूंगा, ताकि आप अगले दिन रेडी होके कूल माइंड होके सिंपल तरीके से चले जाओ और इंटरव्यू में सेलेक्ट होके आ जाओ और मुझे कह दो थैंक यू सर आई एम सेलेक्टेड, ठीक है। चलो अब मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, गुड डे गुड बाय, और मैं ये अटैच कर दूंगा रेज्यूमे, ठीक है, चलो बाय, गुड डे।